गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मार्केट एक बहुत ही अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट हमें देखने को मिला है। यहाँ पर निफ्टी भी आप देख सकते हो, बड़ा गैप डाउन है और बैंक निफ्टी भी अराउंड 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद में लगातार पहली कैंडल तुरंत यहाँ पर गिर चुकी है। तो आज का हमारा जो है ट्रेडिंग प्लान क्या है, किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करना है, एक बार हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और ट्रेड को देखते हैं कि हमें कहाँ पर मेजोरिटी मार्केट के अंदर डायरेक्शन की आवश्यकती है, कहाँ पर हमें ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर देखो तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनाया, इतना बड़ा विक्स बनाया मार्केट के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट के अंदर ओपन होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर समझो कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस डायरेक्शन के अंदर ही हमें मार्केट में ट्रेड प्लान करने का सोचना होता है। मार्केट यहाँ पर अपसाइड जाएगा, ये गैप फिलिंग करेगा कंटिन्यू, या फिर इसी ट्रेंड के फेवर में कंटिन्यूशन में धीरे धीरे या फिर फास्ट मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम मॉर्निंग के अंदर कर सकता है। उसके बाद में जो मोमेंटम होता है वहां पर मार्केट स्लो हो सकता है, पहला मोमेंटम फास्ट होगा। यहाँ पर अभी डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं है, कोई भी हमारा सेटअप या कंडीशन बनती है उसके हिसाब से, कोई भी कंडीशन बनती है तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। बट अभी तक यहाँ पर हमें कोई प्रॉपर तरीके से हमारी कंडीशन बन नहीं रही है, सेटअप बन नहीं रहा, तो हमें वेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर जगह तुरंत इमीडिएटली ट्रेड प्लान करना कि यहां पर हम बाय कर लेते हैं, देखो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा, इनके ब्रेक डाउन करने पर यहां पर सेल कर देते हैं, इतने बड़े गैप डाउन ओपन होने पर तुरंत मार्केट के अंदर डायरेक्शन पता करना कि मार्केट कहाँ जाएगा पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर जब एक बार रिटेलर्स पोजीशन क्रिएट करना शुरू करेंगे, मार्केट कोई कंडीशन बनाएगा कि यहाँ पर इन कैंडल्स के बेसिस पर मार्केट कोई ना कोई जैसे कंडीशन क्रिएट करता है, तब यहाँ पर सेलिंग या फिर बाइंग का हमारी जो सिचुएशन बनेगी उसके बेसिस पर हमें मार्केट में एंट्री प्लान करना होना चाहिए। बट अभी मार्केट में हमें किसी प्रकार की एंट्री नहीं करनी है, बस हमें मार्केट की प्राइस को ऑब्जर्व करते रहना है कि कहाँ पर मार्केट जा सकता है। यहाँ पर ओपन होने के बाद में पहली कैंडल जो है एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल जो है यहाँ पर बना और वापस स्पाइक लगा कर एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है मार्केट के अंदर। अराउंड देखे तो 80-90 पॉइंट के पास में है निफ्टी के अंदर, बहुत बड़ी कैंडल है। देखते हैं मार्केट कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा, वेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी कोई भी सेटअप बनेगा, कंडीशन बनेगी, तो जैसे हमारा लाइव मार्केट का जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वहाँ पर भी मैं स्टूडेंट्स के साथ में ट्रेड वगैरह शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पर हमारे जो है, जैसे कल के दिन भी हमने जो प्रॉपर एंट्री एग्जिट वगैरह यहाँ पर हमारी डिटेल में शेयर किया था, वो भी मैं आपके साथ में डिटेल में यहाँ पर जैसे भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा वहाँ पर इमिडिएटली वहाँ पर भी मैं अपनी ट्रेड वगैरह शेयर कर दूंगा। तो अभी बस हमें प्रॉपर तरीके से एंट्री एग्जिट के लिए बैठे रहना ज़रूरी है मार्केट में। तो मार्केट पहली कैंडल यहाँ पर होल्ड कर गया, तो मार्केट ने यहाँ पर पहली कैंडल जो है आज के दिन होल्ड करी, सेकंड कैंडल होल्ड करी और तीसरी कैंडल भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है। मेरा व्यू क्लियर है मार्केट के अंदर अब कि मार्केट यहाँ पे सेलिंग के अंदर देखो जाना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर नेगेटिव जाना है तो मार्केट में बायर्स के स्टॉप लॉस होना जरूरी है। यहाँ पर रिटेलर्स की जो माइंडसेट है आपको वो समझना जरूरी है कि यहाँ पर हर कोई बाय करेगा तब रिटेलर्स मार्केट जो मेजर मार्केट है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर रिटेलर्स यहाँ पर बाय करने को पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सिनेरियो नहीं बना रहा बायर्स के लिए, ना कोई बहुत बड़ी कैंडल जैसे ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, या फिर कोई प्राइजेक्शन ऐसे बनाना, या फिर मार्केट ओपन होते ही ऐसे सबको दिखाना कि मार्केट यहाँ से गैप फिल करेगा, मार्केट अपसाइड जाएगा। यहाँ पर रिटेलर्स जब तक बाय नहीं करेंगे हम यहाँ पर मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इसी के बेसिस पर मार्केट में हमारा कोई भी सेलिंग का प्लान नहीं है। मैं यहाँ पर मार्केट में हमें सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर सेल करने का प्लान करेगा कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आ जाएगा, अब नीचे आ जाएगा। तो कोई भी रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट सेलिंग के अंदर प्लान करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ओपन होते ही अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, पहला चीज समझो कि अगर मार्केट को ओपन होते ही नीचे जाना है
यहाँ पर सेलर्स को एक्टिवेट कराना है कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जाने में इंटरेस्टेड है। तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर एक प्रेशर दिखाएगा, वहां पर मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा या फिर स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनाता ताकि यहाँ पर बायर्स को पता चल जाता कि यहाँ पर खास जो है बायर्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे, तो यहाँ पर फिर मार्केट सेलिंग के अंदर फर्दर ब्रेक डाउन करता तो हम सेल करते। बट यहाँ पर ये चीज सोचना कि मार्केट राइज ऑन सेल यहाँ से मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, खासकर जब हमारा मेजोरिटी ट्रेंड अगर आप देखने का चाहोगे यहाँ पर मेजर ट्रेंड जो है हमारा अपसाइड के अंदर है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, अगर ये भी सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट होने की चांसेस बहुत कम है, यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाने के पोटेंशियल ज्यादा है। बट अपसाइड, अब यहाँ पर अपसाइड बनने का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत यहाँ पर ट्रेड प्लान कर लेंगे, अपसाइड के लिए हमें कोई ना कोई बाइंग की कंडीशन चाहिए यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्केट कोई ना कोई पुल बैक आए, उसके बाद में जैसे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करें फिर मार्केट अपसाइड जाएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। अपसाइड मार्केट एक चीज याद रखना कि फास्ट मोमेंटम कभी नहीं करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे ही हमेशा मोमेंटम करेगा, क्योंकि पहले कोई स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। अभी यहाँ पर जैसे मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर जैसे स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं और ये सेलिंग मोमेंटम जैसे सस्टेन नहीं करेगा तो हमारा व्यू यहाँ पर 100% बाइंग साइड के लिए होगा, हम यहाँ पर बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होगी वो मैं ग्रुप के अंदर आप स्टूडेंट्स के साथ में अपडेट कर दूंगा वहां पर पहले ही उनके साथ में, तो कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। तो अभी भी जो मार्केट हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम प्लेस पर ही यहाँ पर ही है, यहीं पर होल्ड कर रहा है। यहाँ पर मैंने ग्रुप के अंदर, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि सेम ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपडेट कर दिया कि यहाँ पर मार्केट सिर्फ बाइंग साइड व्यू है मेरा, मार्केट हायर साइड होल्ड करता है देन आई विल क्रिएट पोजिशन ऑन बाइंग साइड, क्योंकि इसके पीछे की साइकोलॉजी है हमने क्लियर कर दी कि मार्केट नीचे की तरफ जाने में इंटरेस्टेड होता तो मॉर्निंग में ही कंटिन्यू मार्केट करता और जो पहले से पोजीशन क्रिएट कर रखे हैं, चलो वो तो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, ये मैं कंटिन्यू जो है नॉट राइज ऑन सेल मार्केट नाउ। तो अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने की जो है एक स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर जैसे अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता तो बहुत पोटेंशियल है मार्केट में अपर साइड जाने का। हमें अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी तो जैसे मॉर्निंग में ओपन होते ही देखो यहाँ पर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप भी बना था बट बैंक निफ्टी में आज के दिन थोड़ा हमने ट्रेड करना अवॉइड ही प्लान किया क्योंकि निफ्टी एक बहुत अच्छा खासा आज के दिन दिख रहा है। बट अभी एक चार्ट पर फोकस करना जरूरी है, ऐसे नहीं अगर हम दो तीन चार्ट सब पे लगा कर रखेंगे तो मार्केट में कभी पैसा नहीं बनेगा, तो एक चीज पर फोकस रखना जरूरी है। तो अभी हम बैठे हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, कोई भी यहाँ पर कंडीशन बनती है तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, बट उससे पहले कंडीशन बनना जरूरी है। और सेल हम यहाँ पर इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि तुरंत यहाँ पर सेल कर दो बस, और कोई भी रेड कैंडल बन रही है सेल कर दो, सेल यहाँ पर प्लान नहीं होगा, सेल इन लो के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तब हमारा व्यू होगा सेलिंग का प्लान, उससे पहले हमारा व्यू होगा सिर्फ बाइंग का। तो यहाँ पर हमने जो है बाइंग की पोजीशन हमारी क्रिएट की है, एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट के अंदर हमने बाई किया है, स्टॉप लॉस हमारा समय अराउंड यहाँ के आसपास होगा। मार्केट में देखो व्यू में एक बार आपके साथ शेयर करता हूँ साइकोलॉजी वगैरह क्या है। सेम ट्रेड जो है यहाँ पर जो मैंने एंट्री ली है, मैं एक बार आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने ये पोजीशन ली, अभी जस्ट इमीडिएटली हमने पोजीशन को क्रिएट किया है, यहाँ पर हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आएगा। और सेम ट्रेड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सेम ट्रेड जो मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप के साथ भी शेयर किया है कि ताकि उनका व्यू मार्केट के अंदर क्लियर हो, मार्केट में हर चीज़ें उनको डिटेल में बताई है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने का जो है हायर पोटेंशियल है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, यहाँ से मार्केट अपर साइड बहुत फास्ट जा सकता है। अब मैं आपको चार्ट पर ले जाके दिखाता हूँ कि क्यों मार्केट यहाँ से अप साइड जाने का पोटेंशियल ज़्यादा है। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें लॉस दिखाने की कोशिश कर रहा है बट अभी थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा जो है मार्केट जो भी दिखाएगा, हमें प्रॉपर एंट्री ली है तो हमने प्रॉपर SLO टारगेट का वेट करना पड़ेगा, बट अभी थोड़ा बहुत मार्केट हमें नॉर्मल सा लॉस दिखा रहा है। यहाँ पर देखो मार्केट के अंदर अगर वीकनेस होती तो मार्केट कभी भी इस तरीके से पुल बैक आता, यहाँ पर हर कोई एंटर करेगा फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से कभी मार्केट एंट्री नहीं देता, कंटिन्यू सेलिंग आया मार्केट फिर वापस मार्केट कंटिन्यूशन में मोमेंटम करने के बजाय यहाँ पर बार बार जो है पुल बैक आने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा मैंने आपको एडवांस चार्ट रीडिंग के अंदर जो स्टूडेंट्स ग्रुप है वहां पर भी मैंने शेयर किया और जो एडवांस चार्ट रीडिंग का जो कोर्स है वहां पर भी ये सेटअप मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप का जो क्रिएट करता है और मार्केट कैसे मार्केट स्ट्रेंथ शो करता है, तो वहां पर हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए।
तो उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लान की है। अब मार्केट में हमें बस ट्रेड को बैठे रहना है, देखना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। हमारा टारगेट कम से कम जो है इस डे के हाई के अपर साइड यहाँ पर होगा। मार्केट जैसे जैसे धीरे धीरे कोई भी अपसाइड मोमेंटम करता है, इन सेलर्स को टारगेट करता रहता है। यहाँ पर न्यू सेलर्स मार्केट के अंदर एंटर करेंगे तो हमें जो है मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मोमेंटम को देख करके हर कोई यहाँ पर रिटेलर्स सिर्फ सेलिंग की ही पोजीशन क्रिएट करेगा। ऐसे के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आना, मैंने तो आज तक मतलब इतने मार्केट चार्ट देखे हैं, इतनी आसानी से तो मार्केट आता नहीं है। मेरा व्यू, मुझे एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पर कि मार्केट यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम अच्छा खासा करेगा। तो अब हमें बस चार्ट को, मार्केट को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में टाइम देना है कि मार्केट जो है प्रॉपर एंट्री के बाद में ट्रेड के साथ काम करें। अब बस देखते रहते ट्रेड को। तो आज जो हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में एक रिवर्सल मार्केट के अंदर देखने को हमें मिलेगा, कि मार्केट सेलिंग का जो ये मोमेंटम, पहला जो सेलिंग का मोमेंटम किया वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। मार्केट में ये जो पुल बैक आ रहे हैं, ये स्ट्रेंथ का साइन शो कर रहे हैं। मार्केट यहाँ से शार्प सेलिंग के बजाय शार्प रिवर्सल हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। मार्केट ने एक इमीडिएटली डिप दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस मैंने कहा था इमीडिएटली यहाँ पर आसपास है, तो हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया। अभी मैं एक बार जो अभी फाइनल जो हमारा पेनल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा आज का जो पेनल है। कोई बात नहीं, लॉस पार्ट ऑफ गेम है। हर दिन मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते रहते हैं, कभी स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी मार्केट में आपके टारगेट हिट होंगे, बट मेजॉरिटी टाइम आपके टारगेट हिट होने जरूरी है। अगर मार्केट में आपकी साइकोलॉजी सही है और आप मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट जो है प्रॉफिट कमा पा रहे हो अपनी साइकोलॉजी के बेसिस पर, तो आपको स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको मार्केट में कभी स्टॉप लॉस नहीं देने पड़ेंगे, आपको हमेशा स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे। चाहे कोई भी चीज़ फॉलो करो, कम से कम 10 बार आप कोई चीज़ काम करती है तो उसमें से एक बार या फिर 2 बार आपको स्टॉप लॉस हमेशा देने पड़ेंगे। तो उसके बेसिस पर हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, व्यू मेरा आज के दिन क्लियर था कि मार्केट सेलिंग के अंदर कंटिन्यू करने के बजाय एक रिवर्सल दिखाएगा, बट मार्केट ने अभी वो नहीं किया, तो हमें मार्केट में ट्रेड को एग्जिट करना हमारा लिए ज़रूरी है। आज के लिए जो हमारा दिन है क्लोज है, कल के दिन हम मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। कोई भी जो है हमारे साइकोलॉजी के बेसिस पर, मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर कोई ट्रेड बनती है तो